ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2021, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर। ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है। जितना अच्छी तरह पढ़ेंगे, जितना बाबा की श्री मत पर चलेंगे, अपने आप को सुधारेंगे। यात्रा माना आगे बढ़ना, यात्रा माना आगे बढ़ना। रोज मेरे में सुधार आए, कल जितना था आज उससे थोड़ा तो आगे बढ़े। यदि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, खड़े हैं, तो फिर हम याद की यात्रा पर नहीं, फिर हमारी चढ़ती कला नहीं, फिर हम स्वर्ग के अधिकारी भी नहीं बन सकेंगे। इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर सकते हो, जितना भी सुधरना चाहो अपने आप को सुधार सकते हो, अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हो। कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है? कोई भी आए उसको कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है? कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना? उत्तर, ड्रामा का जो गुह्य राज है वो पहले पहले नहीं समझाना। ड्रामा का गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना। क्यों? क्योंकि कई मूंझ जाते हैं। कहते हैं ड्रामा में होगा तो आप पे ही राज्य मिलेगा। ड्रामा अनुसार होना है, फिर आप पे हमें राज्य मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। हम बेमतलब क्यों मेहनत करें, क्यों अपना दिमाग खराब करें? सवेरे सवेरे ठंड में उठ के मुरली सुनने के लिए आए, क्या जरूरत है? मिलना होगा तो मिल जाएगा। हम अभी तो आराम कर लें, सोने का टाइम है। सवेरे सवेरे 3 बजे उठो, 2:30 बजे उठो, 4 बजे उठो, दिमाग खराब कर। मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। अब की नींद तो खराब ना करे कम से कम। आगे किसने देखा? सही बात है। अब बाबा क्या कहते हैं? आप पे ही पुरुषार्थ कर लेंगे, ज्ञान के राज को पूरा ना समझ मत वाले बन जाते हैं। ये नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। बिना मेहनत के तो पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। गीत, बोले नाथ से निराला और कोई नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला और कोई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। पता था बाबा कोई बच्चे नहीं बोलेंगे, इसलिए बाबा कह रहे हैं। बाबा ने इतने भक्के से बच्चों से गुड मॉर्निंग की, बच्चों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। बाबा कहते हैं मैंने इतने नशे से गुड मॉर्निंग किया, पर तो बच्चे इतने अच्छे हैं, कोई जवाब ही नहीं दिया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज से बोलना चाहिए, बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज से बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं। हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं। ये साथ में याद आए, क्योंकि बिना शरीर के हम गुड मॉर्निंग नहीं कर सकते। ये शरीर मेरी गाड़ी है, मैं इस गाड़ी के द्वारा हॉर्न बजा के क्या कर रहा हूं? गुड मॉर्निंग कर रहा।
तो बच्चों को इतना हुल्लास से कहना चाहिए ना, वाह बाबा। कौन कहेगा वाह बाबा? जिसने बाबा की श्रीमत पर चलकर कुछ गेन किया होगा, प्राप्त किया होगा, जिसमें चढ़ती कला हुई होगी। जिसमें चढ़ती कला नहीं हुई, सुधार आया ही नहीं, वो नहीं कह सकता दिल से वाह बाबा। वो दिल से वाह बाबा नहीं कह सकते। अंधविश्वास में तो वाह 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 करते रहे, परंतु दिल से तभी निकलेगा। बहुत सारे भाई बहन वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा करते रहते हैं, परंतु पाया कुछ नहीं है, वो दिल से नहीं निकल रहा। वो केवल क्या बोलते हैं, तकिया कलाम बन जाता है ना, बस तोते माफी करते हैं। आखिर वे दिन आया आज, जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती है, वो बाप सन्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे। कितनी कमाल की बात है, वो सन्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान है तभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वही सुप्रीम फादर, गॉड फादर है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि क्राइस्ट को क्यों सुप्रीम फादर नहीं कह सकते? क्योंकि वो खुद कहता है आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं। जो खुद किसी का बेटा है वो सुप्रीम नहीं हो सकता। क्या वंडरफुल बात बाबा ढूंढ के लाते हैं। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। सबसे सुप्रीम वे एक ही है, ये भी समझते हैं कि वे गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। वे गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। ठीक है क्या? नहीं, ये भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को ही आना पड़ता है। अब वे तो है निराकार, कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ये भी किसी को पता नहीं, ये भी किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है? निराकार को मुख जरूर चाहिए, इसलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता है। किसको? ब्रह्मा बाबा को भागीरथ भी कहा जाता है। मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना, डायरेक्शन देते हैं कि मन मना भाव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं हो सकती। इसमें तो प्रेरणा की बात हो नहीं सकती। ब्रह्म बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, हर चीज का सार निकालते हैं ना, गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख घनेरे। तो वे इसमें
जिसको कहते हैं वही इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते हैं, कितनी समझने की बातें, कितनी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, तो माता कौन? ये पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, ये पिता है तो माता कहां? बाप बैठ समझाते हैं कि यह प्रजापिता भी है तो माता भी है, ब्रह्मा बड़ी मां भी है। मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूं, मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूं। फिर कहता है मां भी बना लो, टीचर भी बना लो, डॉक्टर भी बना लो, इंजीनियर भी बना लो, सारे रिश्ते भी मेरे साथ। शिव बाबा अभी कह रहे हैं कि मैं तो बस तुम आत्माओं का बाप हूं, ये है मां। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें इनके द्वारा एडॉप्ट किया, इसलिए मैं जीव आत्माओं का बाप नहीं बनता हूं, ये ब्रह्मा है जीव आत्माओं का बाप, और ये है मां जिसके द्वारा मैंने तुम आत्माओं को एडॉप्ट किया है। भारतवासी पुकारते भी हैं, भारतवासी पुकारते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। निराकार को माता कैसे कह सकते हैं? वे इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं तो ये ब्रह्मा माता बन जाती है। इन द्वारा ही देवी रचना रचते हैं। ये भी एडॉप्टेड मदर है, ये भी एडॉप्टेड मदर है, वे फादर है। इसको फिर नंदीगण बैल भी दिखाते हैं, गाय को कभी भी नहीं दिखा, बैल को दिखाते हैं परंतु गाय को कभी भी नहीं दिखाते। ये बहुत वंडरफुल बातें। कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वे समझ नहीं सकेंगे। कोई शुरूर बुद्धि होते तो झट समझ जाते, 30 वर्ष वाले से भी 1 मास वाले तीखे चले जाते, इनको 30 साल हो गए ज्ञान सुनते सुनते, और 1 महीने वाले उसे क्या चले जाते हैं। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलप कर लेते हैं, यहां भी ऐसे है, सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बच्चे जानते हैं कि मूल वतन तो आदमी, तो आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो वह जा नहीं सकती, कहां नहीं जा सकती, मूल वतन परम धाम में, शांति धाम में जो पतित आत्माएं हैं वो जा नहीं। फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। अब ये जो आत्माएं हैं सत्य मूल वतन में जाएंगी, सारी पवित्र बन के जाएंगी, वो तमो प्रधान नहीं होंगी, सतो प्रधान होंगी सारी की सारी। ठीक है, ये क्या ये बात गले उतर रही है कि सारी आत्माएं सबको प्रधान होकर ही परम धाम जाएंगे? नहीं, आज तो बाबा ये कह रहा है, हिसाब किताब वाली लाइन नहीं कह रहा,
आत्माएं तो आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो वहां जा ही नहीं सकती। मूल वतन में सतो प्रधान आत्माएं ही जाती हैं, वहां तमो प्रधान आत्मा तो जा ही नहीं सकती। ये कैसे उतारेंगे गले में? हैं जी, सतो प्रधान तो फिर वही अपने जाएंगे ना जो सारी सत्व सभी आत्माएं वहां वहां तो आत्माएं सत्व प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो वहां जा नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। तमो प्रधान आत्माएं तो परम धाम में जा ही नहीं सकती, और हर आत्मा सत्व प्रधान है, क्योंकि जो भी आत्मा चाहे वो एक नंबर वाली हो, चाहे दस नंबर वाली हो, चाहे चालीस नंबर वाली हो, सत्तर या अस्सी या सौ वाली हो, सभी आत्माएं सत्व प्रधान, आत्माएं सत्व प्रधान होंगी। और यही बात हमें बहुत अच्छी, कई बार हम ये चर्चा कर चुके हैं क्लास में, है नहीं, परंतु इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि वहां चाहे कोई भी आत्मा एक नंबर वाली जाए, चाहे दस वाली जाए, चाहे चालीस वाली जाए, चाहे सत्तर वाली जाए, चाहे सौ वाली जाए, सब सत्तों पर नहीं, नहीं, जब भी वो आएंगे हर एक आत्मा को चार स्टेजेस में से गुजरना है बाबा ने कहा, तो जब वो आएगी तो सत्तों प्रदान होगी। हाँ, हर एक अपनी अपनी सत्व प्रधान अवस्था अलग अलग, सबकी सत्व प्रधान अवस्था अलग अलग है। जाएंगी तो आएंगी तो वो अपने टाइम पर, जो आत्मा सौ नंबर पर आई है उसके पच्चीस पच्चीस के चार स्टेप बन जाएंगे, और जो अस्सी नंबर वाली है वो भी सत्व प्रधान होगी, पर तो उसकी सत्व प्रधान अवस्था 20-20 की होगी। जो आत्मा चार नंबर वाली है सिर्फ, उसकी एक नंबर सत्व प्रधान, एक रज सत्व, एक रजो, एक, क्योंकि हर अवस्था को चार अवस्थाओं में से गुजरना, वही उसकी सत्व प्रधान अवस्था। जिस भी नंबर से जाएगी, जिस अवस्था से जाएगी, वहां से उसको वापस जाएगी, और वही उसकी सत्व प्रधान अवस्था है। हर आत्मा को चारों अवस्थाओं में से गुजरना, जैसे धर्म के झाड़ में भी दिखाया है ना, चार स्टेजेस, धर्म के झाड़ में देखिए चार स्टेजेस के, नहीं देखिए, नहीं देखिए, ध्यान से देखा करो। पहली स्टेज है गोल्डन, फिर सिल्वर, अच्छा, फिर कॉपर, फिर आयरन, हाँ, ये चार स्टेजेस है ना हर धर्म को, जो लास्ट में भी, बिल्कुल लास्ट में भी जो धर्म आ रहा है उसको भी चार स्टेजेस में से गुजरना है। हर धर्म को अपनी चार अवस्थाओं में से गुजरना, तो हर आत्मा को इसलिए वो सत्व प्रधान अवस्था। फिर सब एक्टर अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं, जैसे जैसे जिसका पार्ट आता जाएगा वो आत्मा स्टेज से नीचे उतरती जाएगी, हर आत्मा अपने समय पर स्टेज से उतरती आएगी। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। हद के ड्रामा में तो 50 60 100 एक्टर होंगे, कितने भी लगा लो, यहां तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, तो अब समझते हैं ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कितने सौकार थे? आधा कल्प विश्व के मालिक थे। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य, वहां है ही एक धर्म,
वहां है ही एक धर्म, वह है राम राज्य और ये है रावण राज्य। राम राज्य में विकार होते ही नहीं, वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता, बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं परंतु याद तो भगवान को करते हैं। नाम राम राम की जप रहे हैं, कर तो भगवान को याद रहे। नाम राम का राइट है, क्योंकि ये तो कोई जानते नहीं कि ईश्वर का नाम रूप देश काल क्या है। ना नाम को जानते, ना रूप को जानते, ना देश को जानते, ना काल को। मनुष्य तो बहुत मूझे हुए हैं, रावण कौन है ये भी नहीं जानते, रावण कौन है ये भी नहीं जानते। रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते हैं, आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे, साइंस को भी देखा अभी कितना जोर है। ये साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी। सुख तो इससे अल्पकाल, कोई भी साधन ले लो, सुख अल्पकाल का है और दुख बहुत ज्यादा। एसी चलाओ, मैं तो एसी में बैठा हूं परंतु जो मैंने गर्मी बाहर फैलाई है वो बाकी सहन करे, वो दूसरों की समस्या। कुछ भी ले लो, गाड़ियां इतनी ज्यादा पोल्यूशन उतना ज्यादा बढ़ेगा, सब गाड़ियां खरीदने पे लगे। हम सारे और लग्जरी गाड़ी में कहते क्या डब्बा ले रखा है, साबुन दानी दे रखी। हाँ साबुन दानी बोलते हैं जो ऑल्टो गाड़ी है, एक गाड़ी है भाई। बच्चों को तो समझा ही नहीं सकते, कहते क्या है गाड़ी, गाड़ी लेनी है तो गाड़ी लो। साइंस को भी काफी, अभी देखो कितना जोर है। ये साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है, सुख तो इससे अल्पकाल का। सुख तो इससे अल्पकाल का ही मिलता है। इससे ही दुनिया का विनाश होता है, तो ये दुख हुआ ना। तुम्हारी है साइलेंस पावर, उन्हों की है साइंस पावर। तुम साइलेंस अपने धर्म में ही रहते हो, तुम सब कहाँ रहते हो, अपने ही धर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। याद से विकर्म विनाश होते हैं, याद से क्या होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं। तुम योग बल से राजाई लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की बात है, इसमें लड़ाई आदि की बात। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो, बाहुबल की तो बात ही अलग है, बाहुबल की तो बात ही अलग है। कल्प कल्प तुम बच्चे ही
पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित बनेंगे। ये ड्रामा है हार जीत का, परंतु ये बातें सबकी बुद्धि में नहीं बैठती। सब तो सतयुग में आएंगे नहीं। बेहद का बाप अपने बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में। ये पुरानी दुनिया है, देवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं, था मगर अब नहीं। अब अनेक धर्म है, इनको रावण राज्य कह कहते हैं। कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब कोई से भी पूछो कि इस चित्र का अर्थ जरा बताओ क्या है, तो बता नहीं सकते। आत्मा तो एक ही है, उनको कहेंगे विष्णु, विष्णुपुरी भी दिखाते हैं। ये है सब, आत्मा तो एक है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्राह्मण है चोटी। ये विराट रूप का चित्र भी खास भारत वासियों के लिए है, और भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ भी कहा जाता है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, परंतु इसमें वैरायटी धर्म है। पहले डीटिज्म, फिर इस्लामिज्म, ये है ब्राह्मण। इस संगम का तो किसी को भी पता, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म। जबकि सोशल सर्विस करते हैं तो तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है। सोशल वर्कर भारत में बहुत हैं, उन्हों को भी सिखाते हैं कि नम्रता भाव से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वे तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मैत्र आदि का काम भी कर किया करते थे। कौन? जो पक्के कांग्रेसी थे, जवाहरलाल नेहरू ने, जो कांग्रेसी थे, जो पक्के पक्के कांग्रेसी थे। आगे जो पक्के थे भक्ति में भी, वे चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, वे फिर 5,000 साल बाद। ऐसा है, लोगों ने बहका दिया। हाँ, किसी के धर्म, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, जबकि वो मिट्टी से ही बनता है और मिट्टी की उसे पॉलिश की जाती है, बस कोटिंग कर देते हैं, बाकी उसमें कोई हड्डी का कोई मतलब ही नहीं। और लोग बहकाने वाले चीनी में भी कह देते हैं हड्डी का पाउडर डालते हैं। अरे भी किसने डालेंगे चीनी में हड्डी का पाउडर, किसको समझाया जाए? वो उसको डबल रिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर से जो कुछ भी है वो निकाल रहे हैं, उसको और तेज जहर बना रहे हैं। जितनी रिफाइन शुगर उतना जहर, उतना जहर है वो। और आप डबल रिफाइन सारे खरीदते हैं, सिंगल रिफाइन नहीं खरीदते, अगर डबल रिफाइन बोलते, सिंगल में मैल निकलती है, शुद्ध नहीं है। मतलब पीली तो वैसे भी हो जाती है। खैर, मतलब कहने का है कि पहले इतनी सफाई नहीं करते थे, अब डबल रिफाइंड। हलवाई कहते डबल रिफाइंड वाले चाहिए गुलाब जामुन के लिए, नहीं तो गुलाब जामुन में चमक नहीं आती। तो डबल रिफाइंड शुगर होगी तो चमक आएगी, और यदि सिंगल को सिंगल है तो उसमें चमक नहीं आएगी, सारा चमक पर ही मरते। इन बातों को समझते नहीं तो मूंझते हैं। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं। कहेंगे अगर ड्रामा में नूंद होगा तो हमको आप पे ही राज्य मिलेगा, और पुरुषार्थ भी आप पे ही करेंगे। ऐसे मतवाले भी होते हैं, ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं,
अरे पुरुषार्थ, बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा, आप पे ही थोड़े पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, वे आकर सहज रास्ता बताते हैं कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो तो विकार विनाश होंगे। बाप पावन बनाते हैं, बनाने के लिए श्रीमत देते हैं मुझे याद करो, परंतु वे निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते हैं ये मेरा शरीर भी मुकर्रर है, ये बदली हो नहीं सकता, वे भी नूर है, गाया भी जाता है, परम पिता परम आत्मा द्वा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं कराते हैं, ये भगवान वाच है ना, तो बोलने लिए मुख चाहिए। बोलने के लिए क्या चाहिए? मुख चाहिए। प्रेरणा से थोड़ी ही पढ़ाई होती है, बाप आकर इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, ये चित्र आदि इस ब्रह्मा ने थोड़े ही बनाए हैं, ये भी तो पुरुषार्थी है ना, ये कोई नॉलेजफुल नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में था, भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना है, भक्ति का फल आकर देते हैं, तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं, बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखलाते हैं, इनका नाम है शिव बाबा। वे कहते हैं मेरा ये जन्म दिव्य अलौकिक है, मेरा आने का पार्ट एक ही बार संगम, मैं बार बार नहीं आता, मैं सिर्फ संगम पर ही आता, ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता, ऐसे भी नहीं है। जब मेरे आने का समय होता है तो एक सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं होता, एक सेकंड भी ऊपर नहीं, एक्यूरेट टाइम पर आता हूं, एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूं, मुझे ऑर्गन्स ही कहां है जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा, बुलाते रहो, कान ही नहीं है मेरे, कैसे सुनूंगा? अब बताओ बाबा को रोजाना कहते रहने वालों का क्या हाल होगा, बाबा ये करो, बाबा ये करो, बाबा ये। भक्तों को बुद्धू बनाता है, भक्तों को बुद्धू बनाता है, उन विचारों को, ऐसा है ना कि यही बात तो बाबा कह रहे हैं कि मैं पहले पहले आते ही बहुत सारे भाई बहनों का ये प्रश्न रहता है कि वो पहले वाली जो पाकिस्तान में मुरलियां चली वो कहाँ है, और वो वहां पर ट्रंक में भर के दबा दी, क्या कह के दबाया, जब द्वापुर में आएंगे ना वो खोदेंगे तो इनको आधार पर वो शास्त्र बने, वो अब तक बचे पड़े होंगे जिनको धरती के अंदर दबा के आए हैं ट्रंक के अंदर, उसको नमी खत्म कर चुकी होगी, अब वो मिट्टी बन गए होंगे, अब भी मिट्टी बन गए होंगे, शास्त्रों को निकालेंगे कौन, फिर ये क्यों किया उसको, क्यों ऐसा झूठ बोला, क्योंकि चाहे वो बाबा के बच्चे थे सारे मैक्सिमम चले गए, परंतु उन्हें अपनी मुरलियों से अटैचमेंट, सबके पास ढेर ढेर मुरलियां थी, अब इतने सारी मुरलियां यहां लेके आते क्या कर, क्या करते, एक कारण। दूसरा कारण, वहां जो उनको कहा कि आप इसमें से मेन मेन पॉइंट्स नोट कर लो, इतनी जल्दी कहां ले जाएंगे हम उठा करके, बार बार रिपीटिशन है मुरलियों में, आप मुख्य मुख्य बातें नोट कर लो। तो सभी भाई बहनों ने लग गए रात दिन करके उन्होंने किया, और उसके बाद वो सारे के सारे वहां पर क्या कर दिए, उनको दफन कर दिया, जला दबा दिया, क्यों, क्योंकि वो मुरलियां यहां काम नहीं आ, वो मुरलियां यहां काम नहीं आने,
किसी किसी के पास थे भी, तो भी बाबा ने उनको मंगवा करके उनको क्या किया, खत्म करवा दिया, ले लिया। दादी जानकी का भी मैंने आपको बताया था कि उनके पास एक बुक थी जिसको मंगवा करके उन्होंने कहा कि ये, दादी ने कॉपी कर ली, वो कॉपी भी कोई मांग के ले गई, कुछ भी नहीं रहा उनके पास जो था, क्योंकि उस टाइम जो पढ़ाई थी वो भक्ति मार्ग की पढ़ाई, इतनी ज्ञान की गहराई नहीं थी। तो एकदम यदि बाबा सीधे सीधा कहे तो कोई भी सुनने वाला उनको धीरे धीरे, पहली क्लास के बच्चे को जैसे आ अनार कह करके, हाँ, फिर आगे सिखाया जाता है। यदि बच्चे को कहो आ, सारे दिन बैठा रहे, आ को याद ना कर सके, ए फॉर एप्पल याद नहीं कर सकता, तो तो भक्ति मार्ग के आधार से ही उनको आगे बढ़ाया। और उसके बाद आप देखेंगे अपना 63-64 के बाद की मूल्य मिलती है, इससे पहले की नहीं है, 63-64 से 69 तक की मूल्य, बस इससे पहले वाली मूल्य। उसमें भी एक मुरली मेरे पास भेज दी गई है, ऑडियो और वीडियो, सॉरी वीडियो ऑडियो ऑडियो बाबा के टाइम पर ऑडियो ऑडियो भेजी गई है, और ऑडियो के साथ मुरली भेजी गई है नहीं? और ऑडियो में बाबा कुछ कह रहे हैं और मुरली में कुछ और है। कहते देखो ये मुरली है, शुरू से लेकर सुनो, सारी मुरली मिलती आ रही है, बीच में ये तीन चार लाइनें क्यों गलत है? बच्चे भी तो बात बहुत दुनिया भर के पढ़े हैं ना, उन्होंने भेजा है मेरे पास, मुरली भी भेजी है और ऑडियो भी भेजी है कि ये गलत क्यों है, ये लिखने वाले ने गलत लिखा है या बाबा ने बोला है, वो बाबा ने गलत बोला है। एक ने ये बना दिया कि ये जो है ना ब्रह्मा बाबा एक मर गया, ये कोई उसका भाई था, उसने वो मुरलियां पढ़ी इसलिए पढ़ी, तो पढ़ने में वो गलती कर गया। और ये मुरली जो लिखी लिखित तो मुरली है वो असली है, और जो ऑडियो है ना वो उसने मुरली पढ़ी है और मुरली पढ़ने में गलती कर गया, बाद वाली लाइन आगे आगे वाली लाइन पीछे बोल गया, ये ब्रह्मा जिनका नकली है, एक असली ब्रह्मा था वो तो मर गया, वो पहले ही मर गया था, 63-64 में मर गया था। कहानियां गढ़ने वाले भी वीडियो बना रखी है। तो 59 में आए थे यहाँ कराची से, 51 में, कहने का यह है कि एक्चुअल में क्या है कि जो रिटर्न है वो बाद में लिखी गई, रिटर्न को करेक्ट करके लिखा गया, अच्छी नजर से नहीं देखते, उल्टी नजर से देखते, क्योंकि उसमें बाबा ने जो बोला उनके बाबा ने तो जैसे बोल दिया, सेंटेंस को ठीक करने के लिए बाद वाले भाई बहनों ने उसको सेंटेंस ठीक कर दिया, रिटर्न में ठीक कर दिया, आप साउंड को तो चेंज नहीं कर सकते ना, जो बाबा ने बोला वो तो बोल दिया, गलत नहीं बोला, सिर्फ ऊपर नीचे बोला, ठीक है ना, सांप की जगह जंतु बोल दिया, सांप की जगह जंतु बोल दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कैचुली कैचुली बदल, आगे कैचुली तो लिखा है, सांप की जगह जंतु बोल दिया, क्या हम समझते हैं ना क्या हुआ, परंतु तो जिसने क्या बोलते हैं नुस्क नुस्क उठाने हैं, लोगों को बरगलाना है, ये भी तो करना है ना। रामानुसार ऐसे कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो गुमराह तो कर रहे हैं ना लोगों को, देखो अब वो जो कच्चा होता है वो थोड़ा वहां, ये ड्रामा बना बनाया, सब समय होता है, जब समय होता है तो आकर पत्तों को पावन बनाता हूं, ऐसे नहीं कि हमारी रड़ियां कोई भगवान सुनते, तो मैं तुम्हारी रड़ियां नहीं सुनता हूं। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप तो जाने जाना हार को बताओ, हम इम्तिहान में पास होंगे,
बाबा को कहते हैं ये काम होगा, ये काम होगा। बाबा कहते हैं अरे अरे हम तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने, मेरा जो पार्ट होगा वही बजाऊंगा, जो नहीं सुनाने का वो तो सुनाऊंगा ही नहीं, जो मैंने सुनाना नहीं है वो मैं सुनाऊंगा नहीं, मैं ये बातें बताने थोड़े ही आता हूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, हर एक का पार ड्रामा में नूंधा हुआ है, हर एक का पार नूंधा हुआ है, जो निश्चय बुद्धि नहीं है वो स्वर्ग में चलने के लायक, और वे बातें भी ऐसे ही करेंगे। बाकी जो सूर्य वंशी और चंद्र वंशी घराने की आत्माएं हैं उनको तो बाबा से जरूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ते पुरुषार्थ नहीं करते वे भी स्वर्ग में आएंगे तो जरूर, कम पुरुषार्थ किया तो स्वर्ग में आएंगे, लास्ट में आ जाएंगे, लेकिन सजा खाकर कोई पद पा ले। कहते तो बहुत है बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी इतना करना चाहिए, बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। फॉलो करते हैं, फॉलो फादर कहते हैं, तो इनको देखो ये कैसे सरेंडर हुआ, ब्रह्मा बाबा कैसे सरेंडर हुआ, सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया, ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। पहले भट्टी से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़े ही भट्टी हो सकती, इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती, इसमें भी कन्याएं तीखी जाती, देह और देह के संबंध को भूल जाना है, क्यों, क्योंकि अब घर चलना। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है, बाकी समय थोड़ा, जैसे आशिक माशूक होते हैं, ये बाबा माशूक है, आशिक नहीं, वो तो एक दूसरे के आशिक होते हैं। बाबा कहते हैं मैं माशूक हूं, मैं आशिक नहीं हूं। बाप कहते तुम पतित बने हो तो याद भी तुम्हें करना है, मैं थोड़े ही पतित बना हूं जो तुमको याद करूं, मैं क्यों याद करूं तुम्हें, मैं तो युक्ति बताता हूं, उस पर चलो, इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ, अब तो वापस जाना है, ये बुद्धि में ज्ञान है, ये शरीर भी पुराना है, सत्युग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे, सांवरे से गोरा कैसे बनते हैं ये भी तुम ही जानते हो। राम को भी काला बनाया है, शिव का लिंग भी काला बनाया है, वे तो कभी काला बनता ही, श्री बाबा कहते मैं तो कभी काला बनता ही नहीं, वो एवर प्योर है, उनको तो सफेद बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं चित्र ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से आकर्षण करे, अखबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं तुम्हारे नहीं पढ़ते, दुनिया भर के चित्र अखबारों में पढ़ते हैं तुम्हारे नहीं पढ़ते हैं। बाबा तुम बच्चों को तो बेअक्ल से अक्लमंद बनाते हैं, इस लक्ष्मी नारायण को अक्लमंद किसने बनाया, बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया, तुम बच्चों को ये नॉलेज मिली है, ये फलाना है, विचार सागर मंथन करना है, गवर्नमेंट कितना
पब्लिक के लिए खर्चा करती है। यहां जो तुम बच्चों का वो बाप का, और जो बाप का वे तुम बच्चों का। बाप कहते हैं, मैं हूं निष्काम सेवाधारी, मैं तो दाता। ये ख्याल नहीं करना कि हम शिव बाबा को देते हैं, शिव बाबा 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनाते, ये बाप लेता नहीं देता, बाबा तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना। क्या करना है? ममत्व मिटा देना है। लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थितियों के सागर में सामने सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण सागर में क्या कर दे? समान और समान बनो और संपूर्ण। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों व कमियों की कयामत करो। कमाए कयामत मना अंत, कयामत मना अंत। सृष्टि की कयामत हो, आखिरी रात कहते हैं, कयामत की रात कहते हैं, उससे पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। जब सृष्टि का अंत होगा, कयामत की रात आएगी, सब रूहें खुदा के सामने हाजिर होंगी। कोई भी उलझन का नामो निशान नहीं होगा। ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ, जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाते हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण सिद्धि के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। समान भी और संपूर्ण भी। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे, तो बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या केवल व्हाट्सएप करें 9213106986 पर, केवल व्हाट्सएप करें।